हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के स्टूडियो में बात करने वाले एनसीआर रेलवे अप्रेंटिस 2021 के बारे में। दोस्तों, अगर आपने भी एनसीआर रेलवे अप्रेंटिस के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है और जानना चाहते हैं रिजल्ट कब तक इसका जारी किया जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, कितने परसेंट वालों को सिलेक्शन होगा, तो स्टूडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उससे पहले चैनल को नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टूडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो सके। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ आप सभी को बता दूँ, यहाँ 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर 2021 तक इसके फॉर्म फिल किए गए थे एनसीआर अप्रेंटिस के। आप सभी को बता दूँ इसका रिजल्ट कब तक आएगा। उससे पहले आप सभी जान लीजिए यहाँ जो पिछले साल की कट ऑफ है वो कितनी गई थी। देख सकते हैं झांसी की कट ऑफ मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, प्रयागराज और आगरा की भी ऐसे ही कुछ इससे रिलेटेड ही कट ऑफ जाने वाली है, एक दो नंबर नीचे ऊपर जाते हैं। तो यहाँ फिटर ट्रेड की सबसे पहले बात करें तो यहाँ जो कट ऑफ बनी थी पिछले साल वो यहाँ 85 बहुत सारे बच्चों का है। तो यहाँ देख सकते हैं अगर आपका 80% से ऊपर है, फिटर कैटेगरी से अगर आप 80% से ऊपर आते हैं तो आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा एनसीआर अप्रेंटिस में। यहाँ कैसे सिलेक्शन होगा तो आप सभी को बता दूँ, 10वीं और आईटीआई के मार्क्स को जोड़ा जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ एवरेज निकाला जाएगा दोनों के मार्क्स का, उसके बाद आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। तो फिटर का आपका अगर 80% या 79 भी है तो आप सभी का सिलेक्शन के चांसेस हैं। वेल्डर ट्रेड की बात करें तो यहाँ वेल्डर में आप सभी का 78 या 77 है तो भी सिलेक्शन लेके चलिए, आपका हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन के चांसेस पूरे हैं। तो नीचे कमेंट करके बताइएगा आपका कितना परसेंट बन रहा है। उसके बाद मशीनिस्ट की बात कर लेते हैं तो उसका भी इसी तरह ले के चल सकते हैं आप, 78 इतना परसेंट है तो आपका सिलेक्शन के चांसेस, अगर आपका 80% से ऊपर है किसी भी ट्रेड में तो आप अपने चांसेस लेके चलिए कि आपका हो जाएगा। इलेक्ट्रीशियन में काफ़ी हद तक कट ऑफ आ जाती है तो इस वजह से इलेक्ट्रीशियन में अगर आपका 80% से ऊपर है तभी आप कुछ उम्मीद रखिएगा इलेक्ट्रीशियन से आपका इसमें रेलवे में अप्रेंटिस होगा। तो आपके मन में जो भी डाउट होगा नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही हर एक ट्रेड का देख लेते हैं, पेंटर का भी आपको देखने को मिलेगा। तो पेंटर का कट ऑफ कम जाता है तो आप सभी 65 से ले सकते हैं, 65 भी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अदर ट्रेड का जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आप सभी को रिप्लाई कर दूँगा। टेलीग्राम में भी आप जुड़ के पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं रिजल्ट कब तक जारी होगा। दोस्तों, इस बार जो रेलवे का अप्रेंटिस आ रहे हैं सभी का रिजल्ट जल्द जारी कर दिया जा रहा है। देख सकते हैं आप सभी को मैं बता दूँ, जो वेस्टर्न रेलवे मुंबई का जो मेरिट लिस्ट है उसका मेरिट लिस्ट नहीं जारी हुआ, लेकिन सभी को कॉल लेटर मतलब ईमेल के द्वारा बुलाया गया डीवी के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर यहाँ कॉल सभी के पास मैसेज आने स्टार्ट हो गए। तो यहाँ आप सभी सितंबर में आपके फॉर्म फिल होना बंद हुए तो आप सभी वेट कर सकते हैं 15 अक्टूबर, मतलब मिड से लेकर के अक्टूबर लास्ट तक आप सभी को इसकी तरफ से कोई ना कोई अपडेट देखने को मिलेगी। तो जैसे ही कोई ना कोई अपडेट आएगी मैं आप सभी को अपने टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल से अपडेट कर दूंगा। तो 15 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में आपका मेरिट लिस्ट आने के चांसेस हैं। तो आशा करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।